हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन। आप देख रहे हैं मैकेनिकल ड्राइंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम नकल थ्रेड ड्रॉ करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नकल थ्रेड में तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तीथ दो तीथ के बीच में जो गैप है उसको मैं यहाँ पर पी कंसिडर किया। तो ये पिच है तीथ का, और उसके बाद तीथ का थिकनेस कितना है यहाँ पे 0.5 पी है। और नेक्स्ट और तीथ का हाइट भी सेम है यहाँ पे 0.5 पी है। तो पी का वैल्यू हमने कितना कंसिडर किया है यहाँ पे, पी इज इक्वल टू 40 mm। और ये 0.5 पी कितना होता है यहाँ पे, 0.5 पी इज इक्वल टू 0.5 × 40 इज इक्वल टू 20 mm। तो ये इसका तीथ का थिकनेस कितना है यहाँ पे, 20 mm है। नेक्स्ट और एक हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो ये हमें सेमी सर्कल जो तीथ का ड्रॉ करना है सेमी सर्कल, तो उसका हमें कितना डायमेंशन यहाँ पे देख सकते हैं आप, आर वैल्यू दिया, आर दिया है यहाँ पे। तो आर इज इक्वल टू 0.25 पी है। तो आर इज इक्वल टू 0.25 पी इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे, 0.25 × p का वैल्यू 40 है। तो इज इक्वल टू ये कितना आता है यहाँ पे, 10 mm आता है। तो इस पॉइंट से जो सेमी सर्कल का जो आर रेडियस है वो कितना यहाँ पे, 10 mm है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन लाइटली ड्रॉ करेंगे, उसके बाद और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। और नेक्स्ट इस पॉइंट से हमें क्या करना है यहाँ पे, 40 mm लेना है, एक दो और ये तीन। जो ये पिच है तीथ का पिच है वो 40 है, तो पी हमने 40 लिया है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 40 40 कैप यहाँ पे मार्क कर लिया है। तो नेक्स्ट इस पॉइंट से हमें क्या करना है, अभी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिए। अब हमें क्या करना है, ये तीथ का जो हाइट है 0.5 पी, इसे हम मार्क कर लेना है यहाँ से। तो इस 0.5 पी का वैल्यू कितना है पे, 0.5 × 40 इज इक्वल टू 20 mm। तो इस पॉइंट से हमें तीथ का हाइट कितना है यहाँ पे, 20 mm लेना है। तो हम दोनों साइड यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और इसे हम ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये सभी यहाँ पे लाइट लाइन ड्रॉ करने, क्योंकि ये सभी रेफरेंस लाइन है, उसके बाद हमें ये मिटा देना है। तो यहाँ पे 20 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट, अभी नकल थ्रेड ड्रॉ करने के लिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन है जो आर है, यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है। तो ये कितना, आर इज इक्वल टू 0.25 है। तो आर इज इक्वल टू 0.25 का वैल्यू कितना है, आर इज इक्वल टू 0.25 पी इज इक्वल टू 0.25 × p का वैल्यू कितना है पे, 40 है। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना था यहाँ पे, 10 mm आता है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट से जो 20 है उसमें बीच में यहाँ पे 10 मार्क कर लेना है। तो ये यहाँ पे मैं 10 मार्क कर रहा हूँ, 10 mm। तो ये हमें सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम थ्रेड्स ड्रॉ करेंगे जो तीथ्स है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अभी ये आर सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए, तो इस पॉइंट से हमें कितना लेना है यहाँ पे, 10 mm लेना है, क्योंकि आर इज इक्वल टू 10 mm है। तो यहाँ पे ये 10 mm लेना है, और इस पॉइंट से भी सेम 10 mm, और इस साइड भी 10 mm, और इस लाइन में इस साइड 10 mm, इस साइड भी 10 mm, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे भी 10 mm, 10 mm। अब हमें ये जो पॉइंट मिला है तो ये आर है, तो यहाँ से हमें क्या करना है यहाँ पे, ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो इस पॉइंट से हमें यहाँ पे ये हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट, अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक्स्ट इस पॉइंट से सेम यहाँ पे
ऊपर की तरफ, अब यहाँ से नीचे, और इस पॉइंट से ऊपर, इस पॉइंट से यहाँ पे नीचे, ये सिर्फ इतना ही लेना है यहाँ पे हमें। इसके आगे हमें कट सेक्शन शो करना है, तो यहाँ से भी मैंने 10 mm लिया है, तो इस पॉइंट से हमें यहाँ पे इतना ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे नकल थ्रेड्स के जो टीथ है वो कंप्लीट हो चुके हैं, अभी यहाँ पे हमें कट सेक्शन शो करना है। तो यहाँ पे हम कट सेक्शन शो करते हैं, तो ये मैंने कट सेक्शन यहाँ पे शो कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रेफरेंस लाइन जो मैंने लिए थे वो सभी मैंने मिटा दिए। तो अब हमें क्या करना है, फाइनल यहाँ पे हैचिंग लाइन्स ड्रॉ कर लेने और डायमेंशंस लेना है। तो नकल थ्रेड ड्राइंग कंप्लीट कर लिया है हमने। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।